ये है गढ़वाल की फुरकी बांध, तो गया ना 90,000 किलोमीटर चल चुके है गाड़ी, तो इसकी सर्विस करा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? सब बढ़िया होंगे और हम भी मस्त हैं। तो फिर से एक बार फिर से निकल चुके हैं हम देहरादून के लिए, और इस बारी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को तैयार करना है एक नई ट्रिप के लिए। तो जी अब निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी को तैयार क्योंकि करना है नई ट्रिप के लिए, और जाना हमने टोयोटा के शोरूम पे कुआं वाला। तो गाइज 90,000 किलोमीटर चल चुके है गाड़ी, तो इसकी सर्विस करानी है। अब देखो खर्चा कितना आता है, कितनी जेब ढीली होती है। तो अभी हम ना श्यामपुर फाटक में पहुंच गए, मतलब मेन रोड पे। अरे ये जाम लगी रखा है, वो देखो लंबा वाला जाम, जब तक ट्रेन नहीं गुजरेगी यहाँ से तब तक हम नहीं जा पाएंगे। वो देखो कितने लंबा जाम है यहाँ। तो अभी हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी चाचा और मेरी अपने स्कूल टाइम की, क्योंकि हमने जब जा रहे थे ना तो एक लड़का ना नीचे गिर गया नाले में, स्कूल वाला, तो उसी पे एक बात छिड़ गई। जब हम अपने जमाने में स्कूल पढ़ा करते थे तो सीन क्या होता था कि हमें छुट्टी चाहिए होती थी, हाँ इंटरवल में, हम उस टाइम पर बोलते हैं हाल टीम। तो सीन ये होता था कि हमें इंटरवल में छुट्टी चाहिए होती थी, बहाना क्या होता था, गुरुजी हमारे पेट में दर्द हो रहा है, गुरुजी तेज चल पहले पहाड़ा सुना। नहीं सुना देता, नहीं जा रहे हम घर, ऐसा सीन हुआ करता था पहले। जाम खुला नहीं, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा अभी। ओ वो जा रही है दून एक्सप्रेस, कुछ समय बाद फाटा भी खुल जाएंगे। वो देखो वहाँ से आ रही, वहाँ से थे पा बेटे। तो जी ये देखो ये है गढ़वाले की फुरकी बांध, तो गया ना ये रही, ये है गढ़वाले की फुरकी बांध। हम तो आ गए लेकिन जाम देखो इस साइड वाला, हमारे अपोजिट वाला भयंकर, अभी तो लगा ही पड़ा है। तो यहाँ पहुँच गए हम सर्विस कराने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन है, देखो देख रहे हो कितनी भयंकर लंबी लाइन है। तो वो सिस्टम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी हम यहाँ सर्विस कराने आ रखे थे, यहाँ पे मना कर रहे हैं आज के लिए, कल के लिए बोल रहे हैं, बट इतनी दूर से आ रखे हैं, फिर अभी बातचीत कर रहे हैं अंदर क्या सीन होता है देखो। तो सर्विस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्टाफ नहीं है, कह रहे हैं कि छुट्टी पे है। तब देखो अब तो सर्विस सेंटर से हम निकल गए और सर्विस हुई नहीं, तो अब जा रहे हैं एशिया का जो सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल है वहाँ, जो देहरादून में पड़ता है। अभी रास्ता भी पता नहीं, गूगल मैप के द्वारा जा रहे हैं हम। तो वो देखो पहुँच गए, हल्की सी ऊपर का स्तंभ दिख रहा है बुद्धा टेम्पल का। तो जी पार्किंग में कर ली हमने गाड़ी खड़ी, और यहाँ का पार्किंग चार्ज है वो है 50 रुपये। तो जी ये देखो ये पहुँच गए, कितना भयंकर है, खूबसूरत नज़ारा, वाओ सुंदर सुंदर। शांत एकदम, अति सुंदर, एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध का मंदिर, बुद्ध टेंपल। तो ये देखो अंदर पहुंच गए, तो इतनी बड़ी प्रतिमा है। काफ़ी शांत शांत वाला प्लेस है ये, यहाँ पे ना बैठे। अभी बंद कर रखा है अंदर जाना, शायद से क्या पता हमेशा के लिए बंद हो जाए, फिर अभी बंद हो रखा होगा मुझे नहीं पता। तो ये देखो कितनी भयंकर प्रतिमा है ना, तो कितने फिट ऊपर हो गया। और ये देखो एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ,
या तो आप मेरे पीछे जो ये गाड़ी देख रहे हो ना, इसी पे दलाई लामा जी आए थे भारत में पहली बार 14 अप्रैल 1986 में। ये गाड़ी देखो, मर्सिडीज, अंदर उनकी फोटो भी है, बड़ी गजब। भैया मैं शीशे पे दिख रहा हूँ, नहीं ज़्यादातर मेरी फोटो दिख रही होगी आपको शीशे में, देख रहा हूँ। तो गाइस आप ये मठ देख रहे हो ना, इसके अंदर बुद्धा की 103 फीट ऊंची लंबी प्रतिमा है। सामने वो देख रहे हो आप, एक वहाँ पे एक प्रतिमा है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी शांत लगा ये, काफ़ी शांत। ये भी पार्किंग में, और ये देखो सामने बुद्धा की मूर्ति। ये गाड़ी, हम निकलते हैं यहाँ से।